विधानसभा से विधायक हैं और सर्वेश सिंह एक बड़े बाहुबली नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं। ये सिर्फ जो राजनीति है उसके लिए बड़ी क्षति नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुरादाबाद में बड़ी क्षति के तौर पर देखा जा रहा है इसको। हमारे साथ इस चीज को चर्चा करने के लिए, सर्वेश सिंह के बारे में और जानने के लिए हमारे साथी पत्रकार फराज खान जुड़े हुए हैं। साहब, आपका बहुत स्वागत है। फराज खान, बुरी खबर है भारतीय जनता पार्टी के लिए, बुरी खबर है, और आप लोग मुरादाबाद में हैं, आप लोगों के लिए भी अच्छी खबर नहीं होगी क्योंकि आप लोग अक्सर मिलते रहते होंगे उनसे। किस तरह के नेता थे सर्वेश सिंह? सबसे पहले तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सर्वेश सिंह की मौत के पीछे का कारण अभी पता चला या नहीं पता चला, नेचुरल डेथ थी या हार्ट अटैक से हुआ, क्या कारण है? आपको कुछ पता चला कि कैसे उनकी मौत हुई, अस्पताल पहुंचे या घर में ही उनके साथ ये हो गया? फराज खान, कुछ बताइए उनके बारे में। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ठाकुर सर्वेश सिंह एक राजनीति के बेताई बादशाह थे, और जो आपने अभी कहा कि 5 बार के विधायक और बड़ापुर से उनके बेटे विधायक, वो बड़ापुर से विधायक जो उनके बेटे बने वो उन्हीं की वजह से बने थे जी। और जब भाजपा की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए थे तो एक बीमारी से वो ग्रस्त थे, कैंसर बीमारी से ग्रस्त थे, और जब नामांकन कराने के बाद वो दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती हुए, लेकिन उसी बीच उनका इलाज चला, इलाज होने के बाद वो चुनाव प्रचार में मतलब लगे हुए थे। उनके बेटे ही सुशांत सिंह जो है वो मतलब चुनाव प्रचार कर जनसंपर्क कर रहे थे और क्षेत्रों में घूम रहे थे अपने अपने, लेकिन खबर ये आई कि चुनाव से कुछ दिन पहले ठाकुर सर्वेश सिंह मतलब घर पर वापस आ गए और थोड़ा मतलब उनकी सेहत में सुधार है, तो कार्यकर्ताओं में खुशी मतलब थी कि चलो अब जो हमारे कैंडिडेट हैं वो हमारे साथ में रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी ठाकुर सर्वेश सिंह चुनाव प्रचार में नहीं दिखाई दी, अपने घर पे ही मतलब आराम कर रहे थे। लेकिन अभी पता ये चला है कि वो उसी बीच दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में दोबारा एडमिट हो गए थे और उस बीच उनका मतलब निधन हो गया, जिससे कार्यकर्ताओं में और परिवार के जो लोग हैं उनके मतलब शौक की लहर दौड़ गई है और काफी ज्यादा मतलब अफसोस में है उनके कार्यकर्ता जिन्होंने ये चुनाव मतलब लड़वाया था, उनके मतलब पीठ पीछे उनका मतलब वो थे नहीं। जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो सर्वेश सिंह थे उनके परिवार में, अभी उनका परिवार मुरादाबाद में ही रहता होगा, और उनकी राजनीति के बारे में मैं अगर पूछूं आपसे कि वो किस तरह की राजनीति के लिए जाने जाते थे सर्वेश सिंह, मुरादाबाद में अगर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया था तो फिर किस तरह की उनकी राजनीति थी मुरादाबाद में लोगों से मिलना? हालांकि वो बात ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक बार 2014 को छोड़कर कभी भी सत्ता में नहीं आ पाई, सांसद अपना नहीं बना पाई मुरादाबाद के अंदर, लेकिन फिर भी सर्वेश सिंह ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाया, दरअसल भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में मुरादाबाद के अंदर सर्वेश सिंह का कितना बड़ा योगदान रहा है? फराज खान सर, सर्वेश सिंह का काफी बड़ा योगदान रहा है, तभी तो 2024 के चुनाव में फिर से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। 2014 में जो चुनाव जीते तो काफी अच्छे मार्जिन से उन्होंने डॉक्टर एसटीएसएम को हराया था, और अगर उनके स्वभाव की बात करें तो उनका स्वभाव बहुत अच्छा माना जाता था, सभी समुदाय से जुड़े हुए थे उनका, उन सबसे मतलब अगर बात करें ठाकुर द्वारा की, ठाकुर द्वारा से ही 5 बार विधायक रहे, तो उनके साथ मुस्लिम लोगों का भी काफी साथ रहा है और अच्छे स्वभाव के थे, किसी से कोई भी मतलब हर किसी से मिलते थे, हर किसी से बात करते थे, हर किसी का काम कराते थे, इसीलिए उनकी मोहब्बत के साथ उनके साथ लोग जुड़े हुए थे। जी। इस बार फराज खान, जब इस बार के चुनाव हुए और अभी एक दिन पहले जब वोटिंग हुई, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो सर्वेश साहब थे किस तरह से वो तैयारियां कर रहे थे जीत के लिए, क्योंकि 2014 में उन्होंने जीत हासिल की और उसके बाद फिर अब 2024 का जो फाइट है वो काफी टफ मानी जा रही थी, तो ऐसे में सर्वेश सिंह किस तरह से तैयारियां कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए कोशिश कर रहे थे? अगर उनके कुछ कैंपेन के बारे में आप हमें बता सके कि किस तरह से कैंपेन कर रहे थे, कहां कहां जा रहे थे, लोगों से कैसे वादे कर रहे थे, फराज खान अगर इस बारे में थोड़ा कुछ बता सके। सर, सब एक बात तो आपको ये बता दूं, 2014 में जीतकर सांसद बने, 2019 में डॉक्टर एसटीएसएम ने उनको हरा दिया था, लेकिन जो 2024 का जो उनको टिकट मिला तो उसमें वो मतलब फील्ड में नहीं थे, ये तो सभी लोग जानते थे कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन हाँ बीमारी का उनका किसी को ज्यादातर पता नहीं था। अब जैसे ही वो एडमिट हुए हैं फर्स्ट टाइम दिल्ली हॉस्पिटल में, एम्स में, तो
थोड़े लोगों को पता हुआ कि उनको वो कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे, उसका इलाज चल रहा है उनका और वो जल्दी मतलब स्वस्थ होकर वापस लौटेंगे। लेकिन वो आए, लेकिन आने के बाद डॉक्टरों ने उनको जो भी कहा हो फिलहाल उसके डॉक्टरों के कहने पर घर में आराम कर रहे थे या खुद से आराम कर रहे थे, ये तो फिलहाल उनके परिवार वालों को ही पता होगा। लेकिन जो जो चुनाव प्रचार था, जो मेहनत चल रही थी ग्राउंड लेवल पर, वो उनके बेटे सुशांत सिंह कर रहे थे जो बड़ापुर से विधायक और उनके कार्यकर्ता का। तो अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि अब भारतीय जनता पार्टी, दरअसल चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी क्षति है, उनके परिवार के लिए बड़ी क्षति है, तो मैं उनके परिवार के बारे में भी पूछूंगा आपसे कि अब कौन उनके घर में, कौन आपको नेता दिखाई पड़ रहा है, किस तरह का नेता दिखाई पड़ रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वोट तो हो गए, अब भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये पता था कि सर्वेश सिंह अगर उन्होंने कैंसर से पीड़ित हैं, बीमार हैं, और कैंसर एक बहुत एक लाइलाज बीमारी होती है, इसका इलाज जल्दी नहीं मिल पाता है, विदेशों में इलाज होता है इसका, हालांकि हमारे देश में भी कैंसर का अच्छा इलाज है लेकिन लोग बड़ा मुश्किल से बच पाते हैं, कैंसर में सर्वाइव करना ही अपने आप में बड़ी बात होती है, ये सारी चीजें लगभग भारतीय जनता पार्टी को पता होगी पहले से। लेकिन उसके बाद भी सर्वेश सिंह को अगर टिकट दिया गया, तो मेरा ये कहना है कि और अगर वो इस स्टेज पर थे तो उनके घर से किसी ना किसी नेता के लिए तैयारी की गई होगी कि ये जो है, मैं सर्वेश सिंह के घर की बात कर रहा हूँ, कि उनके परिवार से, जैसे उनके बेटे की आपने बात की, तो उनका बेटा किस तरह का नेता है, कि उनके पिता हमेशा चाहते होंगे कि मेरा बेटा मेरी जगह ले पाए, मेरी तरह से लोगों से मिल पाए, मेरी तरह अपनी धाक बना पाए, मेरी तरह अपनी छवि बना पाए, तो आप उनके बेटे सुशांत को किस तरह का नेता मानते हैं, फराज खान, किस तरह की शिक्षा, किस तरह की चीजें सर्वेश सिंह ने अपने बेटे को सिखाई हैं, आप देखते होंगे राजनीति में वो कैसे काम करते हैं। जी जी, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, ये बड़ापुर से जो विधायक बने, अपने पिता की बिना ही, मतलब पिता के बगैर तो विधायक बने नहीं है, जिनकी पिता ने ही मेहनत की है और पहली बार मतलब चुनाव मैदान में उतरे और वहां से चुनाव जीते बड़ापुर से। जिस तरह का स्वभाव ये सुना है, जिस तरह का स्वभाव ठाकुर सर्वेश सिंह का रहा है, ऐसी ही स्वभाव इनके बेटे सुशांत सिंह का है। अगर आप उसकी बात कर रहे हैं कि अगर सब चीज पता थी उसके बावजूद भी किसी नेता को खड़ा करना चाहिए था, तो मैं आपको बता दूं कि अभी 4 तारीख को, 4 जून को यहाँ पर काउंटिंग होनी है, मतगणना होनी है, तो वो तो ये तो हार जीत के फैसले जब होंगे उसी के बाद पता लगेगा कि कौन घर का मेंबर है जिसको चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। फिलहाल अभी जो है वो ईवीएम में उनकी किस्मत कैद है, प्रत्याशियों की, मुरादाबाद के जो कैंडिडेट हैं, भाजपा हो, सपा हो, कोई भी हो, उनकी अभी किस्मत उसी ईवीएम में कैद है। लेकिन अगर सर्वे ठाकुर सर्वेश सिंह जीत दर्ज करते हैं, आपकी बात का जवाब दूं, तो उसके बाद ये तो पार्टी तय करेगी कि कौन घर के मेंबर को टिकट दिया जाएगा या किसी और को मैदान में उतारा जाएगा। जी, अभी मतलब ये कंफर्म नहीं है कि कौन आगे बढ़कर के कौन नेता आएगा, कौन नेता नहीं आएगा। लेकिन मैं आपसे अगर पूछूं मुरादाबाद, अगर हम बात करते हैं जैसे प्रत्याशी अब मौजूदा सांसद डॉक्टर शफीकुर्रहमान बर्क, जी उनका इंतकाल हुआ, देहांत हुआ, तो उनके पोते को उनकी विरासत मिल गई। ऐसी ही अगर सर्वेश सिंह का आज देहांत हुआ है तो जाहिर सी बात है कि उनकी जगह उनके बेटे जो मौजूदा विधायक हैं बड़ापुर से, वो ही सारी उनकी विरासत संभालेंगे। जी जी बिल्कुल, उनके बेटे जाहिर है उनकी विरासत संभालेंगे। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि उनके बेटे की सियासत में, उनके बेटे की राजनीति में और सर्वेश सिंह की राजनीति में, चूंकि आप मुरादाबाद में हैं, आप मुरादाबाद में घूमते हैं, अच्छी समझ रखते हैं वहां की, तो सर्वेश सिंह की सियासत में, उनके बेटे की सियासत में आप कितना फर्क देख पाते हैं? क्योंकि अगर आपने कहा, सियासत में अगर देखा जाए तो जमीन आसमान का फर्क है। जी, बेटे की राजनीति अलग है और पिता की राजनीति अलग है। जी बेटा, मैंने पिता का बताया आपको कि पिता जो अच्छे, मतलब अच्छों के साथ अच्छे तरीके से रहते थे और सभी लोगों का साथ था उनके साथ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग उनसे उनसे जुड़कर काम करते। अब विधायक की बात की जाए, वो बड़ापुर के विधायक हैं, उनका वहां पर कैसा स्वभाव है, कैसे लोगों से मिलते हैं, कैसे मतलब लोगों का काम कराते हैं, ये तो वहीं के जो बड़ापुर क्षेत्र के लोग हैं वो ही जानते होंगे। फिलहाल अगर विरासत की बात की जा रही है तो विरासत तो नहीं मिलेगी, चाहे उनका स्वभाव कैसा हो, क्योंकि सहानुभूति भी देखी जाती है। और अब जैसे हम यहाँ पर शफीकुर्रहमान बर्क के पोते हैं,
वो संभाल रहे हैं, उनका स्वभाव अपनी जगह है और शफीक रहमान बर्क का स्वभाव अपनी जगह था, ऐसी ठाकुर सर्वेश सिंह का स्वभाव अपनी जगह है और उनके बेटे का स्वभाव अपनी जगह है। जी मैं स्वभाव की दरअसल बात नहीं, मतलब ठीक है स्वभाव अच्छा है उनका, लेकिन मैं सुशांत को लेकर के एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने बोला कि सर्वेश सिंह सबसे मिलते जुलते थे, जाकर के किसी में भेद नहीं करते थे, क्या सुशांत भी उतने ही जमीनी नेता हैं? क्या सुशांत भी वैसे ही बाहर निकलते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, लोगों की बातचीत पूछते हैं? उनके बारे में, सुशांत के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि अब जो है मुझे मैं इतना दावा कर सकता हूं कि अब अगर सर्वेश सिंह नहीं रहे तो उनके जगह पर सुशांत सिंह को लेकर के बातचीत जरूर चलेगी। फराज खान, देखिए अगर यहाँ मुरादाबाद की बात की जाए तो सर्वेश ठाकुर सर्वेश सिंह का जो टिकट हुआ था 2024 का, तो यहाँ पर कुछ लोगों के मतलब ऑन कैमरा तो नहीं लेकिन ऑफ कैमरा विरोध था। अच्छा। जाहिर सी बात है कि सुशांत सिंह बड़ापुर से विधायक हैं सर, तो यहाँ पर तो वो कुछ नहीं जानते, मतलब मुरादाबाद के लोगों को नहीं जानते, मुरादाबाद के लोगों से ज्यादा बातचीत भी नहीं हुई। तो अगर उनका मतलब ये जो आप पूछ रहे हैं कि उनका किस तरह से मतलब पिता की तरह ही राजनीति करियर है, तो मैं नहीं मानता कि उनका पिता की तरह कोई इस तरह करियर हो, क्योंकि बड़ापुर के लोग भी काफी ज्यादा उनके विरोध में रहे हैं, मतलब जिन लोगों का काम नहीं करे। लेकिन हाँ, पिता की तरह वो अपने कुछ नहीं कर सकते, मेरा मानना जी। जी शुक्रिया फराज हमारे साथ जुड़ने के लिए और कुंवर सर्वेश सिंह के बारे में बताने के लिए, उनके बारे में बात करने के लिए। और वाकई ये बड़ी क्षति है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और सर्वेश सिंह के परिवार के लिए भी। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और फिलहाल हम दर्शकों से उम्मीद कर रहे हैं और उनके सर्वेश सिंह के परिवार को सांत्वना है हमारी तरफ से भी, और ऐसे माहौल में उनके परिवार को भी संयम बनाए रखना चाहिए और चीज़ें होती हैं, बेहतर होंगी, उनका बेटा है, चीज़ों को संभालेगा। और दूसरी चीज़ ये कि अगर सर्वेश सिंह इतने बड़े नेता थे तो उनकी छवि थी, तो जाहिर है जमीनी नेता थे और भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने ढेर सारा काम किया है, बड़े काम किए हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति मानी जाएगी, भारतीय राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति मानी जाएगी, क्योंकि सर्वेश सिंह बड़े नेता थे, 5 बार के विधायक थे, 1 बार सांसद रह चुके हैं, यानी अपने आप में उनका बड़ा नाम था। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। द न्यूज़ 15 को ऐसे ही देखने के लिए सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।